वेलकम फ्रेंड्स टू विटोल क्लासेस। तो अभी हम एक और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एसएससी सीजीएल टायर वन में आ चुका है और ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर सीख के रखे वरना बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हैं आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। और दोस्तों एक और बात आप लोगों से बोलनी है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारे इस YouTube चैनल पे या हमारे Facebook पेज पे आप हमें मैसेज करके कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको हम डेफिनेटली उसका आंसर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। What list number must be subtracted from 518 so that sum is completely divisible by 13? मतलब बोला क्या है कि ऐसा क्या नंबर है जिसको 518 से हम घटाएंगे तो जो भी नंबर आएगा घट के वो 13 से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जिससे डिवाइड करना है उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। तो अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो तीन बार में आएगा आपका 39 और यहाँ से बचा आपका 2 28। ठीक है, 2 बचा यहाँ पे और एक नंबर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। ठीक है, तो 128 आ गया। तो 128 के पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 13 में आता है ना, हमें वो देखना है। तो चलिए अगर हम ध्यान से देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है, तो अगर हम लोग 13 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा 117। तो ये नंबर इसके पहले है क्योंकि इसके बाद तो 130 आ जाएगा, तो 9 बार में चला गया 117, कितना है 11। तो 11 बचा दोस्तों। तो अगर मान लीजिए 11 यहाँ पे नहीं होता, ये कट रहा होता, मतलब क्या होता है 11 कम होता है इससे, तो इसी तरीके से अगर इसमें 11 कम होगा तो ये जो नंबर है ये पूरा 13 से डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चन जो दोस्तों वो हर बार एग्जाम में आता है, प्लीज आप इसे जरूर से जरूर सीख के रखें ताकि आपके एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली ऐसे क्वेश्चन चाहिए अगर आपको प्लीज सब्सक्राइब करें। हम हर दिन कम से कम हर दिन डेली का डेली 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट ऑन वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हम पोस्ट करें तो आप उसे देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।